नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ टीवी में। आपके साथ मैं हूँ यशी दुबे। पूरे देश में इस समय गणपति महोत्सव की धूम है। हर कोई गणपति की भक्ति में लगा हुआ है, लेकिन देवभूमि उत्तराखंड में गणेश महोत्सव की अलग सी छटा देखने को मिली। वहीं विदेशी पर्यटकों में समय के साथ गणपति महोत्सव का काफी क्रेज भी देखने को मिला। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। देश भर में जहां गणपति महोत्सव की धूम मची हुई है, वहीं हरिद्वार में पायलट बाबा आश्रम में गणपति की पूजा का अलग नजारा देखने को मिला। यहां पे कई देशों से आए विदेशी पर्यटकों ने गणपति की स्थापना की और रोजाना उनकी पूजा अर्चना में भी लगे हुए हैं। ये विदेशी पर्यटक गणपति की भक्ति के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं और इन विदेशी पर्यटकों को देखकर श्रद्धालु भी गणपति की पूजा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। It's perfect. Actually, Ganesh Puja we perform today with all our people in ashram. Here is in ashram we have Indian, Russian, foreigners also. And really, we really enjoy all the atmosphere and all the true love which is coming from the Puja place. Actually, our luck is increased here. We pray and we get also the good energy of the place and also good energy from Ganesh. Guruji give us the best knowledge about Hindu tradition and we really know much more about Sanatana Dharma as we knew before from books because it's experience, yeah? Coming to Haridwar, we can experience the real Hindu culture. Because all people in the beginning, they were like Sanatana Dharma people, yeah? Dwar, it's my favorite place on earth, because only here I can experience the real power of Himalayas and Guruji, yeah? विदेशों से आने वाले पर्यटक गणपति की आराधना में लीन हैं और भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए ये विदेशी गणेश की पूजा में मंत्रमुग्ध हो गए हैं। और ये हमारे देश के लिए काफी गर्व की बात है कि दूसरे देश के लोग भारत में आकर हमारे त्योहारों को धूमधाम से मना रहे हैं। वहीं पायलट बाबा आश्रम में गणपति जी का श्रृंगार देखते बनता है। वहीं गणपति जी को मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगाया गया और विदेशी श्रद्धालु गणपति जी की आरती करते नजर आए। रशिया, यूक्रेन, जापान और अमेरिका, स्विट्जरलैंड, बहुत बहुत देशों से यहाँ पे भक्त आते हैं। जो भक्त हैं, भारतीय संस्कृति है, उसे वो आत्मसात करते हैं। ये तो बात है कि खाली देशी देशी नहीं, विदेशी भी इस भक्ति के रंग में रंगे हैं और अपनी संस्कृति का और सभ्यता का वो आचरण कर रहे हैं। गणेश चतुर्थी से शुरुआत हुई गणेश पूजा की, यहाँ पे देशी से लेकर विदेशी भी गणेश पूजा में समर्पित हो रहे हैं और कई हजारों की मात्रा में यहाँ पे गणेश पूजा में समर्पित होते हैं और हर दिन सुबह शाम आरती में वो होते हैं। यहाँ पे कम से कम 8-10 देशों के लोग थे, जापान, रूस, यूक्रेन, अमेरिका, ये सारे सारे भक्त लोग यहाँ पे वो मौजूद थे। भारतीय संस्कृति को लेकर विदेशियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। भारत की संस्कृति को जानने के लिए कई देशों के पर्यटक हरिद्वार आए हुए हैं और 10 दिन तक ये विदेशी पर्यटक गणपति की आराधना के बाद 12 तारीख को शोभा यात्रा के माध्यम से गणपति का गंगा में विसर्जन करेंगे। इन विदेशियों की माने तो भारतीय संस्कृति अद्भुत है और उन्हें यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। This is a very amazing experience. This is all our family. This is my mother and our two sons. So we're so happy to be here and so happy to be with part of this beautiful moment. Because so many days we are waiting for praying, for mantra, and we sing a beautiful song for Ganesh. We do arati. So all our family is so happy to be here. So thank you for India. We want to say thank you for our guru. We want to say of course for Ganesh, for Shiva. Thank you for this beautiful moment. भारतीय संस्कृति को कई देशों के लोग अपना रहे हैं, तभी तो कई देशों से आए विदेशी सैलानी हरिद्वार आकर गणपति के रंग में रंगे नजर आए।